हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ आईयूपीएससी नेमिंग। हमने रूल्स देखे थे आईयूपीएससी नेमिंग के, उन रूल्स को हमें अप्लाई करना है इन एग्जांपल्स में। एक एक करके हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है एल्केन का। एल्केन जिसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता। इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, जो कि सभी कंपाउंड्स में होता है। तो यहां पर अगर हम कार्बन चेन सेलेक्ट करें, तो कार्बन चेन जब हम सेलेक्ट करेंगे, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। ये हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कार्बन सिक्स आ रहे हैं। अगर हमने स्ट्रेट चेन कार्बन सेलेक्ट की होती तो 5 कार्बन होते। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप होती है हमारी नंबरिंग। ये कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 2 कॉर्नर हैं, ठीक है ना, लेफ्ट राइट। कौन से कॉर्नर से स्टार्ट करें, जहां से सब्सटीट्यूएंट नियरेस्ट हो। सब्सटीट्यूएंट नियरेस्ट इस तरफ से आया, ये हमने इस साइड से कार्बन चेन की नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब हम नेमिंग कर रहे हैं। नेमिंग हमेशा पहले किससे स्टार्ट करते हैं, सब्सटीट्यूएंट से। और सब्सटीट्यूएंट कौन है, मिथाइल ग्रुप। सेकेंड कार्बन 4 कार्बन पर है, 2 4 मिथाइल ग्रुप, नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप 2, डाइमिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्सेन, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक एग्जांपल एल्कीन। एल्कीन में भी यहां भी हम पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, यहां हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस स्ट्रेट चेन में मैक्सिमम कार्बन भी आ रहे हैं और वो डबल बॉन्ड भी आ रहा है, जो हमें प्रायोरिटी पे रखना है। नंबरिंग हम कहां से करें, जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो, यहां से नियरेस्ट डबल बॉन्ड से हमने ये नंबरिंग कर दी। लेकिन स्टार्ट हमेशा, नेमिंग को स्टार्ट हमेशा सब्सटीट्यूएंट से ही करेंगे। और यहां सब्सटीट्यूएंट कौन है, मिथाइल। तो यहां 4 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंट, यहां पेंटेन नहीं लिखेंगे, पेंट। इसके बाद सफिक्स, डबल बॉन्ड का सफिक्स इन और पोजिशन 2, विद पोजिशन पेंट 2 इन। इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमने एल्कीन एल्काइन दोनों ले लिए हैं, ठीक है ना। जब एल्कीन एल्काइन दोनों होते हैं तो हम पहले प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे, नंबरिंग के अंदर। यहां कार्बन चेन सेलेक्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। प्रायोरिटी पे हम किसको रखेंगे, जो नियरेस्ट हो। अगर यहां देखें ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड कार्बन, यहां डबल बॉन्ड जो है वो थर्ड कार्बन पर आ रहा है, तो यहां हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी पे रखना है, जो पास में हो वहीं से, ठीक है ना। अब 5 7 कार्बन की चेन है, 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेप्ट। अब पोजीशन किसी की कहीं भी हो, लेकिन जब हम इसको नेमिंग को लिखेंगे तो इसमें पहले हम डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड आयन, अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 4 इन एंड 2 आयन, इस तरह से नेमिंग हो जाएगी। यहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लोवेस्ट लॉक एंड रूल के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड की। नेक्स्ट वाले में हम देख रहे हैं अगेन स्ट्रेट चेन। इस बार डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर, ट्रिपल बॉन्ड भी फर्स्ट कार्बन पर। अब जब दोनों तरफ से पोजीशन सेम हो, अब हमें प्रायोरिटी पे डबल बॉन्ड को रखना है। डबल बॉन्ड को क्यों रखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल बॉन्ड में आयन, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम डबल बॉन्ड को। लेकिन ये प्रायोरिटी कब, जब दोनों तरफ से पोजीशन सेम आती हो, दोनों साइड से पोजीशन सेम हो। यहां पर 5 कार्बन पेंट लिखेंगे पहले डबल बॉन्ड को ही। नंबरिंग हम देख लेते हैं, ये नंबरिंग 2 इन एंड 4 आयन, ये इस तरह से नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। तो डबल ट्रिपल के केस में हमें पहले प्रायोरिटी पे किसको रखना है, जो नियरेस्ट हो। अगर दोनों तरफ, दोनों साइड से नियरेस्ट आ रहे हो, तो फिर हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पे रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जाम्पल में हमने अगेन एल्काइन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इस एग्जाम्पल में हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज किया है। बॉन्ड लाइन नोटेशन जिसमें सिर्फ बॉन्ड की लाइंस नजर आएंगी, आपको कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं होंगे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड को स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि
कि ट्रिपल बॉन्ड जो है ये लीनियर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, और लीनियर होने की वजह से ट्रिपल बॉन्ड को इस तरह से शो करेंगे। ये जो लाइन है ये लाइन टू कार्बन, ये फर्स्ट लाइन टू कार्बन्स की है, बट ये जो सेकंड लाइन है फोर कार्बन्स की है। बस यही यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर हम जो नंबरिंग करेंगे वो कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ इस लाइन का ध्यान रखना है, इसके बाद में 6, 7 टोटल कार्बन 7 स्टार्टिंग, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट 6 कार्बन पर, 6 मिथाइल 7 कार्बन है हेप्ट, पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की थर्ड कार्बन पर 3 आयन, ठीक है। तो इस एग्जांपल में सिर्फ एक हमें बात ध्यान रखनी है और वो है ये माइंड में रखना है अपने को। नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम एग्जांपल आते हैं हेलोएल्केन पर। हेलोएल्केन का एक एग्जांपल ले लिया है हमने, यहाँ हमें पहले कार्बन चेन, हम स्ट्रेट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की। अब नंबरिंग कहाँ से करें, जब सब्स्टिट्यूएंट हो, क्योंकि हेलोजन भी एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। सब्स्टिट्यूएंट के केस में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहले पोजीशन को फॉलो करना है। पोजीशन देखें दोनों साइड से, लेफ्ट राइट दोनों साइड से सेकंड पोजीशन पर पोजीशन सेम, यानी लोवेस्ट लोकेशन सेम। ऐसे केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर हम राइट साइड से करते हैं मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम पहले किसको प्रायोरिटी पर रखेंगे, क्लोरो को। यहां पर ये हमने नंबरिंग कर दी। इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये तो नंबरिंग हो गई, जब हम इसका नाम ड्रॉ करेंगे तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमीन, यानी 3 ब्रोमो, देन क्लोरो 2 क्लोरो, 4 मिथाइल और टोटल कार्बन इसमें है 5, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन। ठीक है, इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर देंगे। तो इस एग्जांपल में हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले हम देखेंगे लोवेस्ट लोकेशन, और जब लोकेशन भी सेम आ रही हो देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। इस एग्जांपल में कार्बन चेन हमने स्ट्रेट सेलेक्ट कर लिया है, ध्यान रहे इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आइसो ऑक्टेन कॉमन नेम, इसका हमें IUPAC नेमिंग करनी है। अगर हम देखें नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से, तो लेफ्ट से करते हैं सेकंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट, राइट से करते हैं अगेन सेकंड कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन जब राइट से कर रहे हैं तो सेकंड कार्बन पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2, इसका मतलब लोवेस्ट लोकेशन के अकॉर्डिंग, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट इसके अकॉर्डिंग हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं और ये नंबरिंग आ जाएगी। अब देख रहे हैं कि हैं सारे के सारे मिथाइल, नंबर ऑफ मिथाइल हैं यहां पर 3, पहले इन 3 मिथाइल की पोजीशन देख लेते हैं। इनकी पोजीशन है 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल, 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गए, नंबर ऑफ कार्बन 5, सिंगल बॉन्ड पेंटेन। ठीक है, ये किसका IUPAC नेम है, आइसो ऑक्टेन का, आइसो ऑक्टेन इसका कॉमन नेम है, बहुत फेमस कॉमन नेम है। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में हेलोजन्स दे रखे हैं हमें, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। कैसे, हेलोजन जो होते हैं ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट है इसका मतलब इसको कार्बन चेन में लेना कंपलसरी नहीं है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखें तो यहां लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी 6 कार्बन की, लेकिन 6 कार्बन की कार्बन चेन 2 हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं और ब्रांचिंग वाले भी हो सकती हैं। यहां हमें जो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है ये ब्रांचिंग वाली सेलेक्ट करनी है। अगर हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे 2, और अगर हमने ब्रांचिंग वाली सेलेक्ट कर ली तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसमें मैक्सिमम हो उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब नंबरिंग में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट हो वहीं से स्टार्ट, यहां से सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट कार्बन पर ही है,
ये हमने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, अब इनकी नेमिंग, नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फर्स्ट क्लोरो, सेकंड मिथाइल और फोर पर है क्लोरोमिथाइल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरोमिथाइल। अब क्लोरोमिथाइल और क्लोरो में से पहले किसको लिखें, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मान लो दो स्टूडेंट हैं स्कूल में, उनकी नेमिंग से उनका नेमिंग सेम है लेकिन एक सरनेम यूज करता है एक सरनेम यूज नहीं करता। तो जो सरनेम यूज नहीं करता उसका नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रजिस्टर में स्कूल के रजिस्टर में पहले आता है प्रायोरिटी में। यहां क्लोरो क्लोरोमिथाइल में हम क्लोरो को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, नेमिंग क्या हो जाएगी, वन क्लोरो देन फोर क्लोरोमिथाइल, फोर क्लोरोमिथाइल। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, सिक्स कार्बन की चेन है, सॉरी अभी सब्स्टिट्यूएंट एक और है मिथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन सिक्स, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये हो जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन, वन क्लोरो टू फोर क्लोरोमिथाइल टू मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा इस एग्जांपल में हमें क्या ध्यान रखना है, पेरेंट कार्बन चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। कभी कभी क्या होता है हम कंफ्यूजन में दोनों क्लोरीन को लेने के लिए कार्बन चेन को शॉर्ट कर देते हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमने एक फंक्शनल ग्रुप रखा है अल्कोहल, अल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है, कार्बन चेन हम स्ट्रेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहां से देखें, अगर लेफ्ट से देखें तो OH नियरेस्ट है लेकिन राइट से देखें तो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर ही है। अब हमें डबल बॉन्ड और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में से किसको प्रायोरिटी पे रखना है, तो ऑलवेज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यहां से ये नंबरिंग हमने कर दी इस तरह से जिससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट पोजीशन पर रहे। यहां से अगर देखें फोर कार्बन कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, ब्यूट। अब वन डिग्री सफिक्स, वन डिग्री सफिक्स सेचुरेशन के लिए यूज होता है, सेचुरेशन में देखें यहां पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए जो प्रीफिक्स यूज सफिक्स यूज करते हैं इन, और इसकी पोजीशन ध्यान रहे इसकी पोजीशन भी अपने को लिखनी है, थर्ड पोजीशन पर है। अगर हम इसकी पोजीशन भी देखें ये थर्ड पोजीशन थ्री इन और एल्कोहल की पोजीशन टू ऑन, क्लियर। इस एग्जाम्पल में हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले वन डिग्री सफिक्स बाद में टू डिग्री, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमेशा नेमिंग को एंड करेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक डबल बॉन्ड भी है, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, कार्बन चेन हम ये इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो नंबरिंग में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नंबरिंग स्टार्ट उसी कार्बन से करनी है, ये फर्स्ट कार्बन देन सेकंड थर्ड फोर्थ, अगेन फोर कार्बन ब्यूट, ठीक है। लेकिन यहां एक सब्स्टिट्यूएंट भी है मिथाइल, इसका मतलब हमें नेमिंग स्टार्ट कहां से करनी है, सब्स्टिट्यूएंट से, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेकंड कार्बन पर, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से, यहां से हो जाएगा टू मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन ब्यूट, पोजीशन डबल बॉन्ड की थ्री इन और ओइक एसिड। इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं शो की, क्यों शो नहीं की, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है और कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जहां रहेगा वही फर्स्ट पोजीशन होगी, यानी इसकी फर्स्ट पोजीशन सेल्फ अंडरस्टूड होती है, इसको शो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मोर देन वन रख दिए और सेम टाइप के रख दिए और तीनों ही एल्डिहाइड हैं। अब अगर हम कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो कार्बन चेन देखें, हम कोई भी कार्बन चेन सेलेक्ट कर लें, हम तीनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कार्बन चेन में नहीं ले सकते। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हों, सिमिलर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हों, तो ऐसे में हमें एक रूल फॉलो करना है, ऑल और नन, या तो सारे हों या एक भी नहीं हो।
अगर हम इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को नहीं ले सकते तो हम तीनों फंक्शनल ग्रुप को बाहर रखेंगे, ठीक है। अब वैसे तो क्या होता है, एल्डिहाइड जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसका सफिक्स होता है एल, एल्डिहाइड का एल, लेकिन जब हम इसको पेरेंट चेन से ही बाहर रख देते हैं तो ऐसे में हमें जो क्यों कार्बन बाहर आ गया तो कोई ऐसा सफिक्स यूज करें जिसमें कार्ब वर्ड आता हो, और एल्डिहाइड के लिए वो सफिक्स जो है वो है कार्बेल्डिहाइड। अगर हम यहां पर देखें, पहले हमने नंबरिंग कर ली, थ्री कार्बन यानी प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब तीनों की पोजीशन क्या है, 1, 2, 3 ट्राई, सफिक्स क्या यूज करें, कार्बेल्डिहाइड, कार्ब वर्ड आना चाहिए उसमें, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह से अपने को नेमिंग करनी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर हमने कार्बन को कार्बन चेन में सेलेक्ट कर लिया, तीनों कार्बन नहीं ले सकते, अगर हमने दो कार्बन को तो चेन में ले लिया और एक को बाहर रख दिया, वो नेमिंग भी करेक्ट है, बट ये मोर करेक्ट है, ये एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर की नेमिंग का एक रूल है कि हमेशा स्टार्ट हमें ऑक्सीजन की तरफ से करना है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। तो पहले हमें इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है, ये सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। जब इस ऑक्सीजन की तरफ से हम नेमिंग कर लेते हैं, ऑक्सीजन इस ग्रुप की नेमिंग कर लेते हैं, फिर हमें लेफ्ट साइड में देखें पेरेंट कार्बन चेन पर आना है, और ये पेरेंट कार्बन चेन 2 कार्बन की है, इथेन, और सफिक्स इसका होगा ओएट। अगेन हमने ओएट की पोजीशन नहीं बताई कि ये फर्स्ट कार्बन, क्योंकि ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जहां भी होगा वहीं से नेमिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। यानी ये मान के चले कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो जहां लगता है लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखें, अब इस बार हमने मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रखे हैं जो अपने आप में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन जब वो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हों और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हों, तो ऐसे में हमें इनको प्रायोरिटी बेसिस पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताना है। एल्डिहाइड और अल्कोहल, जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में देखते हैं तो एल्डिहाइड पहले आता है, इसका मतलब ये तो हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये इसके सामने हो गया सब्स्टिट्यूएंट। और हम जब कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, यहां से हम कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे अब लेफ्ट में आए कि राइट में, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। हमें ये नहीं देखना कि OH लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आ जाओ, OH से मतलब नहीं है, क्योंकि OH तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रायोरिटी पर हम रखते हैं कार्बन को, वो बात अलग है, यहां कार्बन भी इसी तरफ ज्यादा है। यहां से हमने ये नंबरिंग कर ली है इसकी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड कार्बन पर है मिथाइल, और जब एल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, इसको हम पहले लिखेंगे 3-hydroxy-2-methyl, नंबर ऑफ कार्बन 4, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, और सफिक्स एल। अगेन हमने यहां सफिक्स की पोजीशन नहीं बताई क्योंकि यह भी वही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जाम ये हम कीटोन का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। कीटोन में कार्बन तो होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में, बट ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें ये क्या है मिडिल में आता है, और हम कार्बन चेन की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं कॉर्नर से। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस कॉर्नर से स्टार्ट करें जहां से ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन पर, अगर हम राइट साइड से करते हैं अगेन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन यहां फर्स्ट पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट भी है तो ये नंबरिंग हम इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन मिल रही है। अब क्लोरीन इसका जो सफिक्स होगा, सॉरी प्रीफिक्स, ये क्लोरो, 1 क्लोरो, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड पेंटेन, ठीक है। कीटोन थर्ड कार्बन,
पोजीशन थर्ड कार्बन पर थ्री, इसका सफिक्स है ओन, थ्री ओन, क्लियर है। इस तरह से हम कीटोन की नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगेन एक एस्टर का एग्जांपल लिया है हमने, और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था एस्टर की नेमिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन के वाले ग्रुप से। ऑक्सीजन की तरफ कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो पहले इस मिथाइल को लिखेंगे, हमें दूसरी तरफ देखना ही नहीं है जब तक हम ऑक्सीजन की तरफ की नेमिंग नहीं कर देते। अब यहां से हम कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये थ्री कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली हमने, इसमें सेकेंड कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट है और OCH3 ये हो गया मिथॉक्सी, सेकेंड कार्बन पर टू मिथॉक्सी। यहां ये ध्यान रखना है जो ऑक्सीजन की तरफ ग्रुप है इसकी नंबरिंग नहीं करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन चेन की नंबरिंग में नहीं आता। थ्री कार्बन प्रोपेन, प्रोपेन और सफिक्स इसका हो जाएगा OH, तो कंप्लीट नेम इसमें आ जाएगा प्रोपेनोएट। अगेन यहां भी हमने पोजीशन नहीं बताई, ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है एमाइड, और NH2 अगर होता है ये होता है एमाइन। अगर एमाइन होता, एमाइड नहीं होता, सिंपल कार्बन चेन होती तो एमाइन जो है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आता, लेकिन इससे सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप आ गया एमाइड, इसका मतलब अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट और ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन चेन सेलेक्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबरिंग में हम इजीली कर देंगे। NH2 जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसका सफिक्स यूज करते हैं और इसका सफिक्स होता है एमाइन, लेकिन यहां ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट और इसलिए इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसका प्रीफिक्स है एमाइनो, टू एमाइनो, और कार्बन चेन थ्री कार्बन की है प्रोपेन, और पोजीशन सॉरी इसका सफिक्स हो गया एमाइड, प्रोपेन एमाइड। यहां भी हमें पोजीशन नहीं बतानी, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये एमाइड की नेमिंग हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, अब हम कुछ साइक्लिक एग्जांपल ले रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के। साइक्लिक कंपाउंड्स में आपको क्या करना होता है, कभी कभी साइक्लिक के साथ नॉन साइक्लिक चेन भी होती है, हमें पहले यह देखना है पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है। अगर हम यहां देखें इसमें सिक्स कार्बन है, इसमें थ्री कार्बन है, बट इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसका मतलब ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई जिसकी नंबरिंग हमने इस तरह से कर दी, और ये पूरा ग्रुप जो हो गया ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट कार्बन पर है वन साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल थ्री कार्बन प्रोपेन वन ऑल फर्स्ट पोजीशन पर OH। हमने अब यहां पोजीशन बता दी फर्स्ट कार्बन की भी, क्यों, क्योंकि एल्कोहल एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। अभी हमने देखा था एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ये पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एल्कोहल जो पोजीशन चेंज कर सकता है उसकी पोजीशन बताना ज्यादा सही है। नेक्स्ट एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत कंफ्यूजिंग एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम देखें तो जो प्रायोरिटी के नाम पर, प्रायोरिटी जो है ये किसको हम देंगे, डबल बॉन्ड को। अब डबल बॉन्ड की जब नेमिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड के जो कार्बन है वो कंटिन्यूस कार्बन में आने, सीक्वेंस में आने चाहिए। कैसे, या तो हम ये कहें ये फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक है, एक तो ये पोजिशन हो गई, या फिर हम ले सकते हैं फर्स्ट सेकेंड ये पोजिशन, यानी हमें लेनी है दो ही पोजिशन है, डबल बॉन्ड फर्स्ट सेकेंड कार्बन में आना जरूरी है। अब इसमें से कौन सी पोजिशन को प्रायोरिटी दें, हम देख रहे हैं कि जब हमें प्रायोरिटी कार्बन को फर्स्ट सेकेंड इनको देना ही है तो हम उस कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें जिस पर सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब यहां पर हम देखें तो ये जो हमने सेकेंड वाली जो नेमिंग की थी ये नंबरिंग ज्यादा सही, क्योंकि एक तो फर्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड का और ऊपर से सब्स्टिट्यूएंट। हमें ये नहीं देखना कि ये मिथाइल ग्रुप भी तो है, ये मिथाइल ग्रुप आगे है, पहले फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट पहले आता है, तो फर्स्ट कार्बन को प्रायोरिटी पे रखना है। और ये इस तरह से ये नेमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहां हम देखें 1,6 डाई मिथाइल साइक्लो
हैग्स वन ईन, ये इस तरह से हम बना लें। ठीक है, तो यहाँ बस ये पोजीशंस का ध्यान रखें, ये पोजीशन 16 आएगी, इसको 23 मत कर देना। हो सकता है कभी कभी आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये जो नंबरिंग है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में अगेन साइक्लिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक चेन है और फंक्शनल ग्रुप भी है, ओपन चेन है। अब ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग है और ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है से। तो एक रूल है आईयूपीएसी नेमिंग का कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है और वो कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो साइक्लिक चेन है उसको पेरेंट कार्बन चेन मानना है, ये एक रूल है। लेकिन जो बाहर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रह गया, इसको हमें मानना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही है, चाहे वो कार्बन चेन के बाहर है। ठीक है, नंबरिंग हम कहां से करेंगे, जहां से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट है, ये नंबरिंग हो गई। हमेशा स्टार्ट करना है सब्स्टिट्यूएंट से, 2 हाइड्रोक्सी कार्बन चेन, 5 कार्बन की साइक्लोपेंटेन। अब सफिक्स कार्बोक्स COH कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, यानी लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी 2-hydroxy साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रूल कब लगाना है, जब डायरेक्टली अटैच्ड हो। अब सपोज करें हमें ऐसी कोई कार्बन चेन मिल गई जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है बट वो चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट माननी है, ओपन चेन को डिफरेंट मानना है। ठीक है ना, यहां तो इसी को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो यहां ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इस बार, और ये सेकंड कार्बन पर है, 2-cyclopentyl और 2 कार्बन की चेन इथेन, सफिक्स एल, इथेनल। तो इन दोनों में हमें ध्यान रखना है, डायरेक्टली अटैच्ड हो तो ही ये रूल लगाना है, अगर डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो हमें सेपरेट कार्बन चेन बनानी है। नेक्स्ट देखें, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं जो हालांकि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं आते इनके, फिर भी इनको देख लेना चाहिए, कभी क्वेश्चन आ जाए तो, रेयरली क्वेश्चन आते हैं। और वो है बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो का मतलब होता है जिसमें 2 cyclic चेन हो, डबल साइक्लिक चेन। इसमें रूल क्या है कि हमें नंबरिंग हमेशा कॉमन कार्बन से स्टार्ट करनी है, ये जैसे कॉमन कार्बन हो गए दोनों, यानी हमें स्टार्ट यहीं से करना है किसी एक से। कौन से कार्बन से स्टार्ट करें वो डिपेंड करेगा कि हम जो एक्स्ट्रा ग्रुप्स हैं इसके अंदर, जैसे फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, उनको लोवेस्ट प्रायोरिटी मिले। यानी सपोज करें हमने यहां से स्टार्ट कर दिया 1, अब सेकेंड किसको देना है, जो कार्बन चेन लॉन्गेस्ट हो। ठीक है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेकेंड नंबरिंग देनी है, लेकिन यहां कार्बन चेन सब में ही कार्बन सेम आ रहे हैं, तो ऐसे में हम डबल बॉन्ड वाली कार्बन चेन को प्रायोरिटी पे रखेंगे। ये तो हो गई एक कार्बन चेन। अब सेकेंड आगे हमें कहां देखना है, अब ये दोनों कार्बन चेन है, दोनों सिमिलर है, यानी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। हम यहां से इस तरह से ये कार्बन चेन की नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे बाईसाइक्लो, और ब्रैकेट में जो कार्बन चेन में कार्बन के नंबर्स हैं तीनों कार्बन चेन में, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहां तो क्या सब में ही 2 कार्बन है, तो हमने 2 2 2 इस तरह से लिख दिया, अदरवाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इन कॉमन कार्बन्स को हम इन कार्बन्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल कितने हो गए यहाँ, 8 का मतलब हो गया ऑक्ट एंड 2-ene, ये इस तरह से नेमिंग हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा था कॉमन कार्बन से स्टार्ट करना है, यानी फर्स्ट तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब फर्स्ट कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ जैसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसको लोवेस्ट पोजीशन मिले, लेकिन उससे पहले हमारा जो रूल है वो रूल ये है कि पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की नंबरिंग करो।
यानी ये कार्बन चेन की नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे, 7, 8, 9। अब हम देखें, हमने नंबरिंग यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते थे। अगर हम ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करते 1, 2, 3, 4, 5 तो ये 9 पोजीशन पर आता और यहां से ये 7 पोजीशन पर। यानी हमें ऐसा नहीं करना कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड में राइट साइड में है, शॉर्ट कार्बन चेन में है, तो इसकी नंबरिंग नहीं करनी पहले। यानी यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला रूल फॉलो नहीं करना, यहां हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला रूल फॉलो करना है। जिस तरफ लॉन्ग कार्बन चेन उसी तरफ नंबरिंग को हमें तरफ रखना है। तो यहां पर हम देखें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 22 साइक्लो। अब यहां पर हम देखें तो अब कॉमन कार्बन के दोनों तरफ जो कार्बन हैं, यहां कार्बन है 1, 2, 3, 4 और यहां पर है 1, 2, 3 और दोनों के बीच में है 0। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 4, 3, 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 9 कार्बन नॉन एन एंड पोजीशन 7 ऑन, नॉन एन 7 ऑन। इस तरह से हम इसके नेमिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बाईसाइक्लो का, और इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से है कि कॉमन कार्बन ये दोनों हैं। ध्यान रहे ये मिडिल वाली रिंग है, ये इसको क्रॉस, ये जैसे हम रेजिस्टेंस देखते हैं ना फिजिक्स के अंदर, वैसे ये जो रिंग है इसको इस तरह से है। यानी इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा बना सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है रिंग, इसको हम और इजी कर लेते हैं, ये रिंग ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे है, इसको हम अगर ऐसे करते ये इस तरह से। तो यहाँ कॉमन कार्बन है, यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो सबसे शॉर्ट रिंग है उसको लास्ट नंबरिंग। यहाँ पोजीशन 7 कार्बन पर है 7 मिथाइल, ठीक है, टोटल कार्बन है यहाँ पर 7, 7 के लिए हेप्टेन और सेकंड कार्बन पर है 2 नाइट्राइल, ठीक है, सॉरी नाइट्राइल नहीं, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप साइनाइड है, इसको हम कार्बोनाइट्राइल, क्यों कार्बोइड आना चाहिए, कार्बन चेन के बाहर है, कार्बोनाइट्राइल, तो यहां हम नाइट्राइल नहीं लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे, कार्बो, ये कार्बो वर्ड आना जरूरी है, ठीक है। एक और एग्जांपल बाईसाइक्लो का, इसमें हम नंबरिंग कुछ इस तरह से कर देंगे, हमें लास्ट नंबरिंग मिडिल वाले शॉर्ट कार्बन चेन को 7th पोजीशन पर हम देखें 7, 7 डाइमिथाइल, 7, 7 डाइमिथाइल और टोटल कार्बन यहां कितने आ रहे हैं, 7, 7 का मतलब, सॉरी यहां पर हम एक बार करेक्शन कर रहे हैं ऊपर वाले एग्जांपल में, यहां हमने बाईस साइक्लो यूज नहीं किया था, ये भी यूज करना है, ये और नंबर ऑफ कार्बन जो है 2, 2, 1, ठीक है ना, ये यूज करना कंपलसरी, अगर ये यूज नहीं करेंगे नेम गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर 22 साइक्लो और नंबर ऑफ कार्बन जो है 2, 2, 1, 7 कार्बन हेप्टेन, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड पे आ रहे हैं हम, ये हैं स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो, और स्पाइरो में हम नेमिंग जो रूल्स लगाते हैं ये रूल्स बाईसाइक्लो के जस्ट अपोजिट हैं। यानी बाईसाइक्लो में हम कॉमन कार्बन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहां हम कॉमन कार्बन से स्टार्ट नहीं करते हैं, कॉमन कार्बन के पास वाले कार्बन से, और पहले शॉर्ट कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं। बाईसाइक्लो में लॉन्ग कार्बन चेन, स्पाइरो में शॉर्ट कार्बन चेन, और इसको हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से 7 कार्बन। अब जैसे बाईसाइक्लो था वैसे ही है स्पाइरो। अब यहां वहां हमने क्या लिखा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 और इधर 4। ध्यान रहे यहां 2 ही आएंगे, थर्ड नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन कार्बन इसमें एक ही होता है, स्पाइरो में कॉमन कार्बन एक ही होता है, तो वहां पर हमें थर्ड जो कार्बन चेन है उसकी लिखने की जरूरत ही नहीं। यहां 7 कार्बन है हेप्टेन, ठीक है। सेम एक और एग्जांपल,
अगेन यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, लेकिन हमें जो नंबरिंग करनी है वो शॉर्ट कार्बन चेन की करनी है। पहले शॉर्ट कार्बन चेन की ये जैसे नंबरिंग हमने कर ली, अब हम फोर्थ पोजीशन पर दोनों में से कौन से कार्बन को रखें जिसको हम प्रायोरिटी पे रखना चाह रहे हैं, और वो प्रायोरिटी पे रखना चाह रहे हैं एल्कोहल को। तो यहाँ एल्कोहल ये इस तरह से प्रायोरिटी पे आ जाएगा, और यहाँ पर स्पाइरो इंक्रीजिंग ऑर्डर 2.4 7 कार्बन हेप्टेन एंड पोजीशन 4 और ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम स्पायरो की नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल थे IUPAC नोमेनक्लेचर के, ठीक है। इसमें हमने बाईसाइक्लो स्पायरो भी ले लिए। थैंक यू।